पुलिस का सबका की घर व दिगर परेड नरक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। हमारा योना व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये देश अपना है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। मेहमान जीवितार आज की तकरीब की आन पान और शान कौंसल जमील अहमद करे साहब तमाम दर्शकों की हौसला अफजाई करते हुए और नुमाइंदा करते हुए फिर मंच की तरफ रहे हैं। इंस्पेक्शन के लिए ग्राउंड में उतर रही हैं उनके हमरा हमारे निहायत दिन मोहतरमा गुजरात में आज 15 अगस्त के इस मुबारक मौके पर तमाम बुजुर्गों बहनों भाइयों और बच्ची को सलाम पेश करती हूँ। आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त का दिन हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमारे मुल्क को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद करवाने में अपना अहम रोल अदा किया। मैं आज उन बहादुर शख्सियत को खराज अकीदत पेश करती हूँ। आज 15 अगस्त का दिन देश की तारीख में अहम दिनों में शुमार होता है क्योंकि 150 साल की गुलामी के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क ने बहुत बड़ी तरक्की की और मजीद तरक्की की राह पर गमजन है। सरकार ने गरीबी को हटाने में और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हैं। सरकार ने 2018 के पंचायत इलेक्शन के साथ साथ BDC और DDC के इलेक्शन करवाए और 3-tier सिस्टम को मुकम्मल किया। उस सिस्टम के मुकम्मल होने से बिजली पानी व सड़क जैसे तामीरी काम तेजी से आगे बढ़े। मैं इस मौके पर तमाम सरपंचों और पंचों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपनी पंचायतों में बहुत अच्छा काम किया और तेज और शामिल और तरक्की के काम आगे बढ़े। हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज मेडल के ट्रुप कमांडर आए और अपना नाम हासिल करें।